हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलामकुम दोस्तों, मैं वीरेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिनिशर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के चैनल पे, जहाँ पे हम हरियाणा पुलिस के लिए सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं। और एमएस ऑफिस में सबसे पहली एप्लीकेशन जिसका यूज़ हम किया है हमने, वो एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड की थ्योरी का पार्ट और एमएस वर्ड के फंक्शंस का पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो वीडियो समझ में आई भी होंगी और आप लोग जाके दोबारा से उनको देखेंगे। 30 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में किए थे और उससे आगे के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है डेली वीडियोस के नोट्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके वहां पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि फ्यूचर में जब भी हमारी कोई वीडियो आए, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको वीडियो मिल जाए। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 30 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कल किए थे, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और 2-3 सेकंड का टाइम होगा आपके पास हर क्वेश्चन के साथ, तो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि लाइन स्पेसिंग जो होती है, लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इन लाइनों के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, उसको छोटा या बड़ा करने के लिए, उसको कम या ज्यादा करने के लिए, जो ऑप्शन हमारे पास एमएस वर्ड में होता है, वो कहाँ पे होता है, कौन सी टैब में होता है? क्या वो फॉर्मेट टैब में होता है, क्या वो व्यू टैब में होता है, क्या वो इंसर्ट टैब में होता है, या वो होम टैब में होता है? चलो, 3 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। तो आई गेस आपने आंसर कर दिया होगा। जी बिल्कुल, होम टैब पे जो होता है हमारे पास, वो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। होम टैब में कहाँ पे? होम टैब में पैराग्राफ वाले कॉलम में। यहाँ पे देखिए, नीचे ये होम टैब पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, जिसमें ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये आपका लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। देखो, लाइंस दी हुई हैं और क्रॉस का साइन दिया हुआ है ऊपर नीचे। तो अगर हमसे होम टैब पूछा गया था, होम टैब ऑप्शन में था, तो हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। अगर पैराग्राफ ऑप्शन में मिले आपको, तो आप पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद फॉन्ट? फॉन्ट से कौन सा इन चार ऑप्शंस में से ऐसी टर्म है जो जुड़ी हुई नहीं है? फॉन्ट क्या होते हैं आपके? जैसे एफ है, ये भी एक फॉन्ट है, ओ है, ये भी एक फॉन्ट है, एन है, ये भी एक फॉन्ट है, यानी कि हर एक लेटर हमारा एक फॉन्ट होता है एमएस वर्ड में। तो जल्दी बताइए, चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉन्ट से जुड़ा हुआ नहीं है? फॉन्ट कलर होता है, जी हाँ, ये सभी फॉन्ट्स का कलर जो है वो ब्लैक है, तो ये नहीं होगा आंसर। फॉन्ट का साइज, जी हाँ, एस का कोई साइज है छोटा और एफ का साइज है बड़ा, तो ये भी नहीं होगा। फॉन्ट फेस, जी हाँ, फॉन्ट की शक्ल कैसी है, रोमन है या फिर एरियल है या फिर कैलिबरी है, कैसी शक्ल है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक फॉन्ट ग्रामर नाम का एक ऑप्शन बच गया हमारे पास, जिसका एमएस वर्ड में हमने अभी तक कोई जिक्र नहीं सुना है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। तो फॉन्ट ग्रामर नाम की टर्म जो होती है, वो फॉन्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। डैश बटन ब्रिंग्स वर्ड विंडो टू द मैक्सिमम ओरिजिनल साइज, इनमें से कौन सा बटन ऐसा है जो हमारी वर्ड की जो विंडो हमारी ओपन रहती है, हम मिनिमाइज पे क्लिक करके तो उसको नीचे लेके जाते हैं, लेकिन दोबारा से उसको ऊपर लाने के लिए हमें कौन सा बटन दबाना पड़ता है, ओरिजिनल साइज में लाने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ता है? 3 सेकंड का टाइम आपके पास है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रीस्टोर का ऑप्शन होता है, जिससे हम दोबारा ओरिजिनल साइज में हमारी विंडो को लेके आते हैं, और मिनिमाइज का बटन जो होता है, उस पर क्लिक करके हमारी विंडो को हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं या छोटा करते हैं। स्क्रोल क्या होता है? स्क्रोल तो होता है ऊपर नीचे करना पेज को। क्लोज का क्या मतलब होता है? बंद कर देना। तो एक ऑप्शन अच्छा है यहाँ पे, रीस्टोर, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम? कॉलम क्या होते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम होते हैं, और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो होते हैं, वो आपके रो होते हैं।
कॉलम और रो के अंदर हमारा डेटा जो है वो भरते हैं। तो एमएस वर्ड में एक कॉलम जो होता है, मान लीजिए ये कॉलम है, तो इसकी स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी विड्थ, यानी कि छोटी से कम चौड़ाई कितनी होती है वो पूछी गई है हमसे। तो इसका आंसर होता है 0.5, 0.5 mm जो है इसकी चौड़ाई होती है कम से कम किसी भी एक कॉलम की। क्लियर है दोस्तों? अब हमसे पूछा गया है कि एरियल, कैम्ब्रिया, वर्डाना, न्यू टाइम्स रोमन, ये सारे के सारे किस चीज के नाम हैं? इन सारे नामों का क्या मतलब होता है, कहां पे इनका यूज होता है एमएस वर्ड के अंदर? क्या हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, क्या ये फॉन्ट फेस होते हैं, क्या ये टेक्स्ट होते हैं, या फिर ये अलाइनमेंट होते हैं? 5 सेकेंड का टाइम आपके पास। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस का मतलब क्या होता है? फॉन्ट की शक्ल होती है। हमें कैसी शक्ल बनानी है? हमें एरियल जैसे फॉन्ट चाहिए, हमें कैम्ब्रिया जैसे फॉन्ट चाहिए, हमें टाइम्स न्यू रोमन जैसे फॉन्ट चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं? फॉन्ट फेस होते हैं दोस्तों। व्हाट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज? ऐसे कौन से फीचर होते हैं जो एडजस्ट करते हैं ऊपरी हिस्सा, निचली हिस्सा हमारे डॉक्यूमेंट का, ताकि जो भी हमने लिखा है वो बिल्कुल बीच में आ जाए हमारे पेज के? उसको क्या बोला जाता है? उसको वर्टिकल सेंटरिंग बोलेंगे, वर्टिकल जस्टिफाइंग बोलेंगे, वर्टिकल एडजस्टिंग बोलेंगे, या फिर ड्यूअल सेंटरिंग बोलेंगे? दोस्तों देखो, जस्टिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था, जस्टिफाई मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे ऊपर से नीचे हो, चाहे दाएं से बाएं हो, हमारे लिखे हुए को डॉक्यूमेंट के अंदर बिल्कुल पेज के एक ऐसे बीच में लेके आना कि सारे चारों तरफ सेम साइज हमारे पास बचे, सेम जगह हमारे पास बचे, मार्जिन हमारे पास बचे, उसको जस्टिफिकेशन करना बोलते हैं। फिर चाहे वो हमसे वर्टिकल जस्टिफिकेशन पूछ ले या फिर हमसे वो हॉरिजॉन्टल जस्टिफिकेशन पूछ ले, आंसर हमेशा जस्टिफाइंग आएगा। ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो वर्ड के डॉक्यूमेंट में जोड़ा नहीं जा सकता? .png, .jpg, .kpg, .gif। तो PNG क्या होता है दोस्तों? एक इमेज का एक्सटेंशन होता है। तो क्या हम इमेज जोड़ सकते हैं वर्ड में? जी हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। JPG किसका फॉर्मेट होता है? JPG भी इमेज का होता है। तो JPG क्या वर्ड में जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। GIF एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे पास 1 से 2 सेकंड की एक क्लिप होती है जो बार बार प्ले होती रहती है, वो जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। लेकिन ये KPG जो है ये हमने नहीं सुना है, तो इसलिए KPG जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि .kpg कुछ ऐसी चीज है जिसको हम एमएस वर्ड में नहीं जोड़ सकते हैं। अगला है, खालिस्तान रेफर्स टू द फॉरवर्ड द ऑब्जेक्ट वन लेवल और टू द फ्रंट ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट। इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो काम करता है क्या एक लेवल, या फिर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे एमएस वर्ड के अंदर, उनको सामने लेके आए, उनके सामने लेके आए हमें, उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन इनमें से हम यूज करते हैं? तो इसका जिक्र हमने अभी तक नहीं किया था, नया क्वेश्चन है, तो इसका मैं बता देता हूं। ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन जो होता है वो यूज किया जाता है। मान लीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट जोड़े हुए हैं हमारे एमएस वर्ड के अंदर, इनके सामने हमें लेके आएगा, यानी कि इनके ऊपर लेके आएगा, फॉरवर्ड लेके आएगा। देखो लिखा फॉरवर्ड लेके आएगा, कौन सा ऑप्शन? ब्रिंग टू फ्रंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड के अंदर इन चार में से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं होता है? क्या कट का ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड में, कॉपी का होता है, पेस्ट का होता है, पेज सेटअप का होता है? बताइए, सोच के देखिए जल्दी से। तो मैंने बताया था आपको, कट का ऑप्शन भी होता है, कॉपी का ऑप्शन भी होता है, पेस्ट का ऑप्शन भी होता है, लेकिन पेज सेटअप का जो ऑप्शन होता है वो तो किसमें होता है? पेज लेआउट में होता है। तो क्लिपबोर्ड में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर। चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो कैसा दिखता है, अपियरेंस मतलब कैसा दिखता है, उसको बदलने के लिए हम क्या चीज करते हैं? क्या उसे हम पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं, क्या हम उसे एडिटिंग बोलते हैं, क्या हम उसे फाइंडिंग बोलते हैं, क्या हम उसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं?
पेज ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों? क्या तो हमें लैंडस्केप मोड में करना होता है या हमें पोर्ट्रेट मोड में करना होता है? एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग होती है डॉक्यूमेंट के अंदर डला हुआ जो कंटेंट होता है उसमें हमें एडिटिंग करना, उसमें हमें बदलाव करना। फाइंडिंग क्या होता है? जो भी हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट है उसमें से हमें कुछ ढूंढना। और फॉर्मेटिंग क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए कि वो दिखता कैसा है, उसके लिए जो यूज होता है वो होता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोर्ट का जो फीचर होता है एमएस वर्ड के अंदर वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? क्या वो अक्षरों को इटैलिक बनाने के लिए यूज किया जाता है? क्या वो बोल्ड करने के लिए किया जाता है? क्या वो हाईलाइट करने के लिए किया जाता है? क्या वो अल्फाबेटाइज किए के लिए? तो बताइए सोर्ट का फीचर किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? जब थ्योरी की क्लास हम कर रहे थे तो मैंने सोर्ट फीचर के बारे में बताया था। तो मान लेते हैं हमारे पास दो तरह का डेटा है। एक तरह के डेटा में हमने क्या डाला हुआ है? हमने मार्क्स डाले हुए हैं 10 से लेके और यहाँ पे 100 तक के मार्क्स हमने डाले हुए हैं, लेकिन कहीं पे 20 लिखा हुआ है, कहीं पे 40 लिखा हुआ है, कहीं पे 30 लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं हमने क्लास में स्टूडेंट्स के नाम डाले हुए हैं। यहाँ पे हमने अमन से स्टार्ट किया था और बीच में मान लो हमने चेतन भी डाल दिया और नाम डाल दिए हमने, और यहाँ तक हमने एक में नाम डाले हुए हैं, एक में हमने नंबर डाले हुए हैं। तो जब हम सोर्ट कराएंगे, अगर मैं एक्सेल की बात करूं, एमएस एक्सेल की बात करूं, तो वहां पे आप नंबर्स को भी सोर्ट करा सकते हैं और नाम को भी सोर्ट करा सकते हैं उनके पहले नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंग, यानी कि ए बी सी डी ये सब एक लाइन में आ जाएंगे जब हम सोर्ट करेंगे ए टू जेड या जेड टू ए। जेड से लेके ए तक करेंगे तो सारा जेड जिसका नाम आखिरी अल्फाबेट से होगा उसका पहले आएगा और फिर ए वाले का आएगा लास्ट में, और ए टू जेड कराएंगे तो ए वाले का नाम पहले आएगा, जेड वाले का नाम आएगा लास्ट में। ऐसे ही नंबर्स के साथ होता है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा हम करा सकते हैं। अगर छोटे से बड़ा कराएंगे तो 10 से लेके 100 तक जो होंगे वो एक सीरीज में आ जाएंगे, बड़े से लेके छोटा सोर्ट कराएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 10 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लेकिन एक्सेल में तो हम वर्ड में, टेक्स्ट में और न्यूमेरिक दोनों में करा सकते हैं सोर्टिंग, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर सोर्ट फीचर जो होता है वो सिर्फ अल्फाबेट्स पे काम करता है, न्यूमेरिक पे काम नहीं करता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, सोर्ट फीचर एमएस वर्ड में जो होता है वो अल्फाबेटाइज करने के लिए होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ए नोट और एनोटेशन? इनमें से कौन सा ऐसा एक नोट है या एनोटेशन है जो ऑथर, ऑथर कौन होगा जो उस डॉक्यूमेंट को बना रहा होगा और रिव्यू एड्स टू ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकता है, देख सकता है। हमने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, वो डॉक्यूमेंट हमने किसी और के पास भेज दिया। मैंने मान लो ये डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने आप लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट भेज दिया और मैं कहता हूं कि भाई इसमें ना ध्यान से देखना, तुम्हें जो पॉइंट नंबर 2 है उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो उन डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लेना। तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे एनोटेशंस को क्या बोला जाता है? क्या वो कैप्शन होता है, क्या वो कमेंट होता है, क्या वो हेडर होता है, या वो फूटर होता है? तो देखो, फूटर क्या होता है? पेज के नीचे लिखे जाना वाला कोई भी इंपॉर्टेंट बात होती है या पेज नंबर होता है। हेडर क्या होता है? पेज के ऊपर लिखी जाने वाली मेन चीज होती है, हेडिंग होती है। तो कमेंट ऑप्शन हमारे पास यहां पे बच गया, जो हम डॉक्यूमेंट को बनाते बनाते किसी चीज के बारे में कुछ कमेंट डाल देते हैं और अगले बंदे को हम बोल देते हैं कि भाई वो कमेंट जो है ना वो ध्यान से पढ़ना, ताकि तुम्हें उस स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में जो है वो पता लग जाए कि वो हमने किस लिए लिखा था या क्यों बनाया था। तो ऐसा कौन सा नोट और एनोटेशन होता है जो रिव्यू करता है डॉक्यूमेंट को? तो आंसर इज योर कमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड होता है वो क्रिएट करता है, बनाता है, क्या बनाता है इनमें से? जब भी हम उसको बनाने के बाद या उसको लिखने के बाद, मान लीजिए मैंने लिखा आई एम सी एस टीचर, उसके बाद जस्ट बाद अगर मैं स्पेस दबा दूंगा या फिर एंटर दबा दूंगा, या तो मैंने दबाया स्पेस या मैंने एंटर दबाया, तो वो जो होता है ना एड्रेस, वो एक वेब पेज के रूप में बदल जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको हाइपरलिंक बोलेंगे, हेडर बोलेंगे, फुटर बोलेंगे या चार्ट बोलेंगे? बिल्कुल, उसको क्या बोलेंगे? हाइपरलिंक बोलेंगे। वो एक लिंक के तौर पे बन जाता है। हेडर आप लोगों को पता है, चार्ट भी पता है और फुटर भी पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइपरलिंक जो होता है वो हमारे लिए बनाता है। अगर हम किसी भी एड्रेस को टाइप करते हैं
www. कुछ भी कोई एड्रेस टाइप करते हैं उसके बाद स्पेस या फिर एंटर का यूज अगर हम करते हैं तो वो एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। जूम इन एंड जूम आउट बटन कहां पे होता है एमएस वर्ड में? जूम इन क्या होता है? पेज को साइज को बड़ा कर देना, और जूम आउट क्या होता है? उसी पेज के साइज को कम कर देना। तो कहां पे होता है? क्या वो स्क्रॉल बार में होता है? क्या वो होम टैब पे होता है? क्या वो पेज लेआउट ऑप्शन पे होता है? यहां पे लेआउट आएगा। क्या वो व्यू ऑप्शन टूल बार पे होता है? तो यहां पे राइट बॉटम में बिल्कुल नीचे जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट को व्यू करने के, क्या बोला जाता है उसको? व्यू ऑप्शन टूल बार बोला जाता है दोस्तों। व्हाट इज द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट शोज वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर? हमारे एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट पे हम जिस पे काम कर रहे होते हैं वहां पे कुछ ऐसे ब्लिंक करता रहता है। जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये जो मेरा आपको साइन दिख रहा है जिससे मैं ये लिख रहा हूं, जो पिन दिख रही है आपको, ये ब्लिंक कर रही होगी। तो ऐसे ही एमएस वर्ड में एक जगह पे एक कुछ ब्लिंक कर रहा होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि वहां पे हमें अगला कैरेक्टर लिखना है, उसको क्या बोलते हैं? 3 सेकंड का टाइम आपके पास। जी हाँ दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा कर्सर होता है। जहां पे हमारा कर्सर होता है वहीं पे हम काम कर रहे होते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट जो होती है ज्यादा से ज्यादा कितना जूम किया जा सकता है उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी बैंक एचएसएससी सभी में पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एमएस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा 500% तक हम जूम कर सकते हैं एमएस वर्ड को। एमएस एक्सेल को ज्यादा से ज्यादा हम 400% जूम कर सकते हैं, और एमएस पावर पॉइंट को भी हम ज्यादा से ज्यादा 400% जूम कर सकते हैं। तो एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों को 400, एमएस वर्ड को 500% तक हम जूम कर सकते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा ऐसा कस्टमाइजेबल टूल बार है? कस्टमाइज मतलब क्या होता है? जिसमें हम ऐड या घटा सकते हैं या जमा कर सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, उसको बोलते हैं कस्टमाइज करना। तो ऐसा कौन सा इनमें से कस्टमाइजेबल टूल बार है जो कंटेन करता है कमांड्स दैट यू मे वांट टू यूज? जो भी हम यूज करना चाहते हैं कमांड्स को, उन कमांड्स को हम उसके अंदर डाल सके या हटा सके, ऐसा कस्टमाइजेशन टूल बार कौन सा होता है एमएस वर्ड में? क्या वो व्यू ऑप्शन टूल बार होता है? क्या वो क्विक एक्सेस टूल बार होता है? क्या वो टाइटल बार होता है? या वो रिबन होता है? 5 सेकेंड का टाइम आप लोगों के पास। 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम अप दोस्तों, और उसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहां पे देखिए, मैंने यहां पे इमेज भी लगाई है उसकी, ये वाली जो जगह होती है, ये वाली जो चीज होती है, ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार। जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सामने एक लिस्ट ओपन होती है जहां पे कमांड्स के नाम होते हैं, उनमें से हम उन कमांड्स को यहां पे ऐड कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में, मान लो हमने यहां से काम करना शुरू किया था और हम यहां पे पहुंच गए हैं, अब हम यहां पे एक एक करके तो जा नहीं सकते, लेकिन हमें बिल्कुल शुरू में जाना है, तो हम कौन से बटन को प्रेस करेंगे? 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। 5, 4, 3, 2, 1 होम बटन होता है, उसका हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में जाने के लिए, और एंड बटन का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए दोस्तों। इंसर्ट ए डैश टू इलुस्ट्रेट एंड कंपेयर डेटा, ऐसी हम क्या चीज एमएस वर्ड के अंदर डालें जिसको डालने के बाद हम डेटा के ऊपर काम कर पाए? किसी भी तरह का वो डेटा हो सकता है, उसके ऊपर हम इलुस्ट्रेट कर पाए या कंपेयर कर पाए, एक दूसरे के साथ तुलना कर पाए, तो क्या बोलते हैं उसको? हम चार्ट बोलते हैं दोस्तों। हम चार्ट डालते हैं एमएस वर्ड के अंदर जिसमें हम डेटा के साथ कंपैरिजन और इलस्ट्रेशन कर पाते हैं। चार्ट किसी भी तरह का हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। लेटर्स को छोटा बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? दिमाग पे जोर लगाइए, कल ही वीडियो में मैंने बताया था। तो शिफ्ट प्लस F3 जो होती है वो होती है लेटर्स को छोटा या बड़ा करने के लिए। कंट्रोल प्लस F3 होती है कट करने के लिए टेक्स्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस वर्ड? अभी एमएस वर्ड का जूम साइज हमने मैक्सिमम तो देखा था, यहां पे हमें बताना है मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है।
तो ज्यादा से ज्यादा तो आप लोगों को पता है 500 था ही, तो 1000 वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो मिनिमम बताइए क्या 0 हो सकता है या 10 हो सकता है। तो मिनिमम जूम एमएस वर्ड के अंदर होता है दोस्तों 10। 0 का तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, 0 क्या होता है, 0 का मतलब तो दिखेगा ही नहीं, और मिनिमम पूछा है यहां पे, खत्म थोड़ी ना कर दिया है। तो 10 कम से कम और 500 ज्यादा से ज्यादा जो है एमएस वर्ड में हम जूम कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को। व्हाट इज द घोस्टेड टेक्स्ट और पिक्चर बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज। घोस्टेड का मतलब भूत से नहीं है, यहां पे भूतिया से नहीं है। हम मान लो ये जो डॉक्यूमेंट हमने बना दिया, इसके पीछे हमारे लिखे हुए के पीछे कुछ हल्का हल्का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो क्लिप आर्ट होती है, क्या वो वाटरमार्क होता है, क्या वो वर्ल्ड आर्ट होता है, या फिर सभी के सभी? 2 सेकेंड आपके पास। तो दोस्तों ऐसे टेक्स्ट को बोला जाता है वाटरमार्क, जो हमारे लिखे हुए डॉक्यूमेंट के थोड़ा सा पीछे होता है, बैकवर्ड में होता है, और थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, लेकिन वो होता क्या है, वाटरमार्क होता है। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में लगाने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए कितने में लिखे जाएंगे, कितनी जगह पे नहीं लिखे जाएंगे, कितनी जगह बच जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? 5 सेकेंड आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। उसको बोला जाता है दोस्तों रूलर। ऊपर और नीचे वर्ड डॉक्यूमेंट के एक फुट्टे जैसा, स्केल जैसा ऐसा कुछ होता है, जो हमें ये बताता है कि टेक्स्ट यहां से स्टार्ट करना है, यहां पे खत्म करना है। तो ये सारी चीजें जो बताता है वो एक रूलर होता है दोस्तों। यूजर कैन यूज, जो भी यूजर उस डॉक्यूमेंट को बना रहा है वो उसका प्रयोग कर सकता है कमांड्स का, सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, एंड करेक्ट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट, और वर्ड्स को सही करने के लिए। इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को वो यूज करता है? एचएसएससी ग्राम सचिव, एचएसएससी पटवारी, एचएसएससी क्लर्क, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 सेकेंड का टाइम आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। तो ऐसे ऑप्शन को जिसमें हम सर्च कर सकते हैं और वर्ड्स को करेक्ट कर सकते हैं, वो होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एफ से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कंट्रोल प्लस जी से क्या करते हैं, हम गो टू करते हैं। और कंट्रोल प्लस एच से क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस, ढूंढना और उसको बदलना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक है, क्या है इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? क्या वो शेयरवेयर है, क्या वो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, या वो एप्लीकेशन सूट है, या वो फर्मवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सूट है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। हम अगर एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से ही जो पेज का साइज होता है वो क्या होता है? क्या वो A4 होता है, लेटर होता है, लीगल होता है, इनमें से कोई नहीं है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, बाय डिफॉल्ट पहले से जो एमएस डॉक्यूमेंट का साइज होता है वो लेटर साइज, लेटर पेज के साइज का होता है दोस्तों। हमें बाद में उसको चेंज करना होता है हमारे सहूलियत के हिसाब से, कि हमारे प्रिंट आउट प्रिंटर में कौन से पेज रखे गए हैं। लेटर के साइज के पेज है तो हम ऐसे के ऐसा छोड़ देंगे, हमारे पास A4 साइज का पेज है तो हम A4 पे क्लिक करेंगे, हमारे पास लीगल साइज का पेज है तो हम लीगल पे क्लिक करेंगे। वेयर ऑल द टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी टैब कहां पे लोकेटेड होती हैं एमएस वर्ड के अंदर दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने और 3 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सबने सही दिया होगा। जी हाँ, रिबन वो जगह होती है जहां पे ये सारी की सारी टैब जो होती है वो लोकेटेड होती है। व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक एज ए वेब पेज। अपने डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज के तौर पे देखना, या एक वेब पेज की तरह उसको बना देना या देखना, उसको क्या बोला जाता है? आउटलाइन बोलते हैं, प्रिंट लेआउट बोलते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग बोलते हैं, या वेब लेआउट बोलते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को एक इंटरनेट के वेब पेज की तरह देख पाना, उसका बोला जाता है वेब लेआउट। क्लियर है दोस्तों? वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। इन 4 में से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो आप बताइए वो कौन सी गलत है। पहला ऑप्शन है एमएस वर्ड कैन नॉट ऐड हाइलाइट्स, क्या एमएस वर्ड हाइलाइट्स को ऐड नहीं कर सकता है? एमएस वर्ड कैन चेक द स्पेलिंग, क्या एमएस वर्ड स्पेलिंग को चेक नहीं कर सकता है?
कर सकता है। मतलब मेलिंग टैब इज इन एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2007 के वर्जन में मेलिंग टैब था या नहीं था। इन एमएस वर्ड भी इंसर्ट पिक्चर्स, एमएमएस वर्ड में पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आप लोगों को गलत लग रही है? कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लग रही होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट मैं बता दूं बिल्कुल ठीक है। आंसर बी यहां पे हो जाएगा। एमएस वर्ड स्पेलिंग चेक नहीं करता है, एमएस वर्ड के अंदर एक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन जो होता है वो स्पेलिंग्स को चेक करता है, ना कि एमएस वर्ड उसको चेक करता है। तो बी स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है एमएस वर्ड का जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्पेलिंग्स को करेक्ट कर देता है, लिखे हुए को करेक्ट कर देता है, और कैपिटलाइजेशन छोटा या बड़ा को सही कर देता है, और जो ग्रामेटिकल एरर आते हैं, गलतियां होती हैं, उनको भी ठीक कर देता है? ऐसा कौन सा फीचर होता है एमएस वर्ड के अंदर? क्या वो ऑटो फिक्स है, क्या वो ऑटो स्पेल है, क्या वो ऑटो मार्क है, या वो ऑटो करेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपका, ऑटो करेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, और अगर आपके कुछ गलत हुए हैं, सही हुए हैं, वो स्कोर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनको एक बार फिर से देख लेना। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है और मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे पर्सनल क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मैं लिंक आपको दे दूंगा मेरा, कि सर हिंदी में करा दो, हिंदी में करा दो। देखो दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। हिंदी में क्या होता है, मान लो यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं हिंदी बनाऊं, इंसर्ट ए डैश टू इलुस्ट्रेट एंड कंपेयर डाटा, तो हिंदी क्या बन सकती है? इंसर्ट का मतलब क्या है, मतलब डालना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको डालने के बाद हम इलुस्ट्रेट और कंपेयर कर पाते हैं डेटा को? तो देखो, एक डेटा, एक कंपेयर और एक इलुस्ट्रेट, तीन ही तो शब्द थे इंपॉर्टेंट। उनको तो इंग्लिश में भी इलुस्ट्रेट को इलुस्ट्रेट ही लिखा जाएगा, कंपेयर को कंपेयर ही लिखा जाएगा, डेटा को डेटा ही लिखा जाएगा। तो फिर हिंदी और इंग्लिश में फर्क क्या हो गया? क्या सिर्फ ये एंड टू ए इंसर्ट इनकी हिंदी बनाने के लिए बोल रहे हो आप मेरे को? तो दोस्तों, इतना तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी तो पढ़ना पड़ता है ना हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग कीजिए, हिंदी की बजाय कंप्यूटर को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आप लोग चाहते ही हो बिल्कुल कि हिंदी में भी कराया जाए, तो फिर मैं अपने आप तरफ से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं हिंदी में भी डेटा अवेलेबल करा पाऊं। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस 30 क्वेश्चंस का अपना स्कोर कमेंट करके बता देना, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।